हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। आइए आज फिर एक और यूनिक रेसिपी ट्राई करते हैं, जिसमें मैं गाजर, मटर और टमाटर की सब्जी ट्राई करने वाली। तो चलो रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने गाजर लिए, टमाटर लिया है, मटर लिया है, लहसुन लिए और मिर्च लिए। हम इसे कुकर में बनाने वाले हैं। कुकर में डालूंगी मैं तेल। यहाँ पे मैंने तेल 3 स्पून जितना यूज़ किया है। आप तेल को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे। आप गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। आप गरम मसाले को स्किप भी कर सकते हो। और बाद में हम डालेंगे इसमें अदरक का पाउडर। अदरक का पाउडर मैं बारीकी यूज़ कर रही हूँ, वो भी आप स्किप कर सकते हो। फिर इसमें हम डालेंगे मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और ये सब्ज़ी हेल्दी भी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैंने मटर डाले, थोड़े से टमाटर डाले, यहाँ पे मैंने टमाटर 2 यूज़ किए। फिर मैंने गाजर डालिए, गाजर डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। ये सब्जी इतनी टेस्टी है कि मेरे घर में हफ्ते में 2 से 3 बार ये सब्जी बनती है, क्योंकि ये हेल्दी भी है और टेस्ट में भी बढ़िया लगती है। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च 2 स्पून डाली है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। यहाँ पे हम हल्दी बहुत ही कम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 स्पून जितना नमक डाला है मैंने। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। अगर आपके घर में स्वीट सब्जी सबको पसंद हो तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हो, ये सब्जी उससे ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने पानी बहुत ही कम डाला है, आप इसमें पानी ज़्यादा ना डालें। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 3 सीटी लगाएंगे। सीटी लगाते समय आप गैस की फ्लेम को फुल रखें। ये लीजिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई। आप इसमें लेमन भी डाल सकते हो। मैंने ऊपर से धनिया डाला है जिससे हमारी सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। आप देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे।